नमस्कार, भारत में तेजी से बढ़ते चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं दिन भर की तेज तर्रार एवं बेहतरीन खबरों की। कोटेदार की दबंगई से परेशान कार्ड धारक। सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम देवरिया के कोटेदार मुन्नीलाल के दबंगई से ग्रामीणों ने राशन न देने का लगाया आरोप। इतना ही नहीं, कोटेदार पर घटतौली व राशन कार्ड ऑनलाइन में ठगी करके ज्यादा रुपए लेने का भी आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों की माने तो राशन वितरण में मनमानी करना, राशन में मिलावट करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने लामबंद होकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। कार्ड धारकों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक लेने का आरोप लगाया है। जहाँ गाँव के करीब एक दर्जन लोग कोटेदार के खिलाफ जाँच कर उच्च कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महमूदाबाद, खादान अधिकारी व अन्य अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के चलते कोटेदार के हौसले बुलंद हैं और वो अपनी मनमानी करने पर उतार हुए। सीतापुर से सिमरेश पांडे की खास रिपोर्ट। किस गांव में रहते हैं? क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या यही है कि जो कि पहले 8 महीने से राशन मेरा बंद कर दिया है और मेरा 4 बच्चा था और 4 बच्चों को बेच दिया दूसरे खाते है। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन उसको विकास में दिया था पैसा, वो 2 बार 100-100 रुपये करके और अभी तक वो दिया नहीं। क्या नाम है आपका? श्याम करी। क्या समस्या है आपकी? समस्या का हम गल्ला ले, हमारे भैया जाते हैं तो गल्ला देते ही नहीं है, खाते हैं 3 महीना हो गई है गल्ला, इसी भी गई हुई पर ऑनलाइन करवानो है खेती नहीं खेवा और तीनों खेवा पर कहीं की 600 रुपया हम चले ली एको खेवा पर हमका गल्ले नहीं दिन और तो जब वहाँ पर हम ले गए हमारे भैया को ले तो बहन की यहाँ पर सी भी है नहीं और जब वहाँ पर ले गए तो बहन है नहीं और जब वहाँ पर जाए के यहाँ फिर दोबारा गए तो झगड़ा कई दिन कहीं यहाँ पर कहाँ थे बेर बेरे आओ थे पर क्या ले आओ थे लमडे के हर का दिन गल्ला फिर दोबारा जब यहाँ पर भवा तब जब दो लमडा लिया तब का कट्टी वहाँ कहीं गिर गए और कहीं कि खंडा भर दिन हमारे भैया के रहें यहाँ। क्या नाम है आपका? कौन से गांव में रहते हैं? देवरिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी यह है कि मतलब ऐसा है 7-8 साल हो चुकी तो कहे ला कि ये भैया कट्टी गिर गई है तो 1 किलो कम ले लो, 1 किलो वही साल से तब से वो काटत और 1 किलो और अंतोदय काट हमारा है और 1 किलो जो है गल्ला तवल हम कम पर और 32 रुपया लीटर हमका तेल मिलत और रुपया जौन है पूरा लेते 35 किलो। 35 किलो में कितना गल्ला कम देता है? 2 किलो। कल्टीवेटर लगा, ट्रैक्टर पलटा, 2 लोग दबे गंभीर रूप से घायल। सिंधौली वाया महमूदाबाद रोड पर महमूदाबाद से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मदारीपुर गांव के पास मेन रोड पर ठेकेदार की लापरवाही से पुलिया का निर्माण समय से न कराए जाने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसे इस पुलिया के निर्माण में सुस्ती के कारण होते हैं जिसमें आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक एक ट्रैक्टर ट्राली ईंटों से भरी फंस गई जिसके कारण रोड से पुलिया के पहले पश्चिम साइड में गुरु प्रसाद वर्मा व हरिओम वर्मा जाम लगने के कारण उक्त रोड से पश्चिम में ट्रैक्टर निकालने लगा। उसी समय कल्टीवेटर लगा, ट्रैक्टर पलट गया जिससे ट्रैक्टर के चारों पहिए ऊपर की दिशा में हो गए। ट्रैक्टर पर मौजूद दोनों लोग ट्रैक्टर के नीचे दबकर प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा डेलसॉ को फोन किया गया। सूचना पाते ही डेलसॉ गाड़ी मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को सकुशल निकालकर एम्बुलेंस महबूदा से एससी भिजवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। सीतापुर से सिमरेश पांडे की खास रिपोर्ट। जो पुलिया बन रही है ये कब से बन रही है जानकारी है आपको? कम से कम हो गए 6 महीने। 6 महीना हो गया है तब से बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में रास्ता सही होना चाहिए। रास्ता होना चाहिए मतलब ये जो एक्सीडेंट आपका हुआ है तो पुलिया खराब होने के कारण अधबनी पुलिया पड़ी है इसलिए मतलब ऐसा हुआ है वरना न होता है ना। चलिए ठीक है। छत विछत अवस्था में मिला अधेड़ का शव, ईंट से कुचलकर हत्या की आशंका। सिंधौली कोतवाली क्षेत्र के थाना अटरिया के मऊ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के लोगों ने सुबह का अधेड़ का शव छत विछत अवस्था में देखा। जानकारी के मुताबिक मऊ गांव के निवासी सुनील विश्वकर्मा पुत्र गोकर्ण विश्वकर्मा की बीती रात हत्या कर दी गई। आपको बता चले यूपी के सीतापुर थाना अटरिया क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के सटी झोपड़ी के पास सुनील विश्वकर्मा का शव छत विछत हालात में पाया गया जिसकी पहचान ग्रामीण एवं करीब एवं परिवार के लोगों के द्वारा की गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही सूत्रों की माने तो मामला जमीनी विवाद के कारण हत्या होने की आशंका जताई जा रही। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर से सिमरनरेश पांडे की खास रिपोर्ट। ये कोटेधार की दबंगई परेशान कर रहा है। की तहसील महमूदाबाद के ग्राम देवरिया के कोटेधार नीरल के दबंगई से ग्रामीणों ने राशन न देने का लगाया आरोप। और इतना ही नहीं, कोटेधार का सिधौली और राशन कार्ड ऑनलाइन में ठगी करके ज्यादा रुपए लेने का भी आरोप लगाया। वही ग्रामीण माने तो राशन वितरण में मनमानी करना, राशन में मिलावट करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने लाभ उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। कार्ड धारकों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक लेने का आरोप लगाया है। जहां गांव के करीब एक दिन भर की ताजा और आसपास के लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अखंड न्यूज 24।